हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट काफी बोरिंग फेज में आगे चल रही है, जहां पे सेंटिमेंट जो है वो थोड़े नेगेटिव होते जा रहे हैं हर एक रिटेल इन्वेस्टर के, जहां पे वो ये सोच रहा है क्या वो पैराबॉलिक मूव हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मार्केट में वो मूवमेंट नहीं दिख रही है, मार्केट में पंप नहीं दिख रहा है, एंड दैट इज वन रीजन अ रिटेल इन्वेस्टर इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ चुका है कि लोग अब यहाँ पे बात भी नहीं कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो $2 लाख या यहाँ पे $1,50,000 तक पहुंच सकता है। बट पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स $100,000 कि वहां तक भी पहुंच जाए तो भी अच्छा है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के लिए। बट अगर आप लोग यहाँ पे पास देखोगे तो ये चीजें जो है वो प्रीवियसली भी हो चुकी है, जहां पे बिटकॉइन हालविंग के बाद मार्केट एक बहुत ही बोरिंग फेज में चलती है, एंड ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स जानते हैं। जहाँ पे हम बड़े एसेट मैनेजर्स की बात करते हैं, वेल दे आर हैप्पी कि एक रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में फ्रस्ट्रेट हो, अपने क्रिप्टोज बिटकॉइन यहाँ पे सेल ऑफ करे एंड मार्केट से चुपचाप बाहर चला जाए, अकरिंग लॉसेस या उसी रेट में जहाँ पे उसने परचेज करा था वहाँ पे वो सेल भी करते हैं, तो एसेट मैनेजर्स यहाँ पे आपके बिटकॉइन आपसे ले लेंगे। एंड दैट इज वन रीजन यहाँ पे कोई भी मेजर न्यूज जो है वो ब्रेकआउट नहीं हो रही। ऑल्दो अगर हम नैरेटिव्स की बात करें तो मार्केट में अभी भी बहुत सारे नैरेटिव्स हैं जो प्ले आउट होना बाकी है। बट क्या चीजें हुई इन दी पास वो जान लेते हैं, एंड करेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं इन द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट उसके बारे में भी बात करने के लिए चलते हैं एक बार कॉइन मार्केट कैप में। मार्केट का पास रिकॉर्ड देखते हैं एंड बात करते हैं रिगार्डिंग वन एयर ड्रॉप, जहां पे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो ड्यूरिंग दिस बोरिंग फेज ऑफ द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। तो यहां पे आप देख सकते हो हमने ओपन कर दिया कॉइन मार्केट कैप। करेंटली जो ग्लोबल मार्केट है दैट इज डाउन 0.73%। डोमिनेंस की बात करें, बीटीसी का डोमिनेंस इज 52.8%, ईट डोमिनेंस इज 18%। बिटकॉइन जो है लास्ट 24 आवर्स में इट इज डाउन 1.02%, इथीरियम इज अप 1.17%। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है टू होल्ड ऑन टू देयर क्रिप्टोज जब मार्केट इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। बट विद दैट यहाँ पे ये भी जरूरी हो जाता है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड क्या यही चीजें पास में हुई है। बिकॉज जब हम पैराबॉलिक मूव की बात करते हैं द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, हम लोग हमेशा बात करते हैं अबाउट दी हिस्ट्री, पास्ट में जो चीजें हुई हैं अगर वही आगे होती है तो यस डेफिनेटली हम लोग पैराबॉलिक मूव मार्केट में जरूर देखेंगे। वो 10x रिटर्न, वो 20x रिटर्न ऑन आर इन्वेस्टमेंट्स, वेल उसका वेट हर कोई कर रहा है। बट उससे भी पहले बात करते हैं कि लास्ट कुछ महीने कैसे रहे फॉर द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, एंड मार्केट आज के टाइम में इतनी बोरिंग क्यों चल रही है वो भी डिस्कस करेंगे। वेल, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आज सुबह हमने ये चार्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करा, जहां पे अगर हम प्रीवियस 12 मंथ देखें, जहां पे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जहां पे लोग क्रिप कर रहे हैं रिगार्डिंग दी क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, वहीं पे अगर हम लास्ट 12 मंथ्स देखते हैं तो लास्ट 12 मंथ से 9 मंथ्स हम लोग पॉजिटिव में क्लोज हुए, एंड अ रिटेल इन्वेस्टर इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। यहां पे अगर हम लोग क्लोजली देखें तो जून ऑफ 2023 वी वर अप 11.98%। यस, जुलाई एंड अगस्त दो ऐसे महीने रहे जहां पे मार्केट डिप करी, जुलाई में अप्रॉक्सीमेटली 4%, अगस्त में अप्रॉक्सीमेटली 11.29%। बट उसके बाद मार्केट यहां पे काफी अच्छी पंप करी। बात करें अगर सितंबर की, इट वाज अप 3.91%, अक्टूबर में 28.5% अप, नवंबर में 8.8% अप, दिसंबर में 12.8% अप, जनवरी फरवरी एंड मार्च के महीने भी काफी ज्यादा अच्छे रहे फॉर द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। एंड उसके बाद आया अप्रैल, जहां पे वी वर डाउन 14.76%। यस, मार्केट जो है वो पंप कर रही है। मार्केट में हम लोग ऑलरेडी एक बुल सीजन में बैठे हैं, ये चीज पता चलती है लास्ट के 12 महीने देखते हुए इन द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। वो अलग बात है अगर आप लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में एंटर करा लुकिंग इनटू द रिटर्न जो हमें फरवरी में मिले, वेल डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवे मूवमेंट कर रहा होगा या नीचे होगा। अप्रैल का मंथ जो है वो अगेन नेगेटिव रहा फॉर द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, बट मई में हम लोगों ने यहाँ पे रिकवरी शो करी। अब आगे के महीने कैसे जाते हैं दैट विल डिफाइन कि हम लोग किस साइड मूव कर रहे हैं। बट वट इज करेंटली हैपनिंग ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पास में क्या वही चीजें हुई थी। पास में अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन हालविंग की, लास्ट बिटकॉइन हालविंग हम लोगों ने देखी थी इन द ईयर 2020, मई का वो महीना था जहां पे हमने हालविंग देखी थी। एंड पास में क्या हुआ वो जानने के लिए हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में, एंड बात करते हैं ऑन द डेट ऑफ हालविंग क्या हुआ था प्रीवियसली। 20th ऑफ मई इज द डेट जहां पे हमने लास्ट बिटकॉइन हालविंग देखी थी। वहां से लेके जुलाई तक मार्केट ने ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करी, एक साइडवे मूवमेंट जो है वो बोरिंग फेज जहां पे हम लोग आज के टाइम में, वेल वही हम लोगों ने देखा था इन 2020। जुलाई में थोड़ा बहुत पंप आया, सितंबर में जितना भी पंप आया था वो सारा का सारा नेगेटिव हुआ। बट व्हाट केम आफ्टर दैट वाज द पैराबॉलिक रन।
पैराबॉलिक रन ऑफ द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, जिसका हम लोग आज के टाइम में वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम रेक्ट कैपिटल की भी सुने, जिनको हम हमेशा बात करते हैं व्हेन वी स्पीक अबाउट द चार्ट्स, यहाँ पे ये लोग बोलते हैं जो हमने हालविंग देखी थी इन 2016, वहाँ पे 518 डेज लगे थे आफ्टर हालविंग, जहाँ पे हमने बिटकॉइन का एक पीक देखा। अगर हम प्रीवियस साइकिल की बात करें और जहाँ पे 2020 में हम लोगों ने हालविंग देखी थी, वेल वहाँ पे 546 डेज लगे थे टू सी दी पीक इन दी प्राइस ऑफ बिटकॉइन। एंड वही चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अगर सेम चीज़ यहाँ पे होती है तो डेफिनेटली हम लोग सेप्टेम्बर या अक्टूबर का महीना मानते हैं ऑफ 2025, जहाँ पे मार्केट को पीक करना चाहिए। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी चल रही है। बिटकॉइन का एक न्यू ऑल टाइम हाई बिफोर बिटकॉइन हालविंग कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इन 2023, बट चूंकि अब वो हो चुका है हिंदी पास, वेल यहाँ पे लोग क्रेडिट जरूर लेंगे उस चीज का। करेंटली बिटकॉइन इज एक्सेलरेटिंग एट दी साइकिल बाय अप्रॉक्सिमेटली 118 डेज। एंड यहाँ पे ये कहते हैं कि अच्छा है अगर बिटकॉइन यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ आगे बढ़े, बट बिटकॉइन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, एंड दैट इज द मेजर कंसर्न जो एक रिटेल इन्वेस्टर आज के टाइम में यहाँ पे देखता है। बट अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की भी बात करें तो इतना ज़्यादा ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला, स्पेशली इन दी टॉप ऑल्ट कॉइन्स, जहाँ पे हम बात करते हैं ADA की, जहाँ पे हम बात करते हैं AVAX की, चेन लिंक, पॉलका डॉट हो गया, नियर प्रोटोकॉल हो गया, पॉलीगॉन मैटिक हो गया। वेल येस, इनका प्राइस जो है वो फॉल करा है, बट उतना ड्रास्टिक फॉल नहीं करा। पॉलीगॉन मैटिक इज डाउन 4.64% इन द लास्ट 7 डेज। यहां पे अगर हम लोग बात करें पॉलका डॉट की, इट इज डाउन 3.76% इन द लास्ट 7 डेज। विल मार्केट में डेफिनेटली आज के टाइम में करने के लिए कुछ भी नहीं है। जहां पे हम इन करंट लेवल्स में DCA नहीं करना चाहते, द प्रॉब्लम इज कि इसके नीचे हम लोग ऑलरेडी परचेज कर चुके, हमारा पोर्टफोलियो ऑलरेडी रेडी है, तो कोई भी पुराना क्रिप्टो हम लोग उसमें ऐड नहीं कर रहे। यस, न्यू क्रिप्टोज की तरफ हम जरूर देखेंगे, एंड स्पेशली अगर इस बोरिंग फेज की बात करें, यहाँ पे पीपल लुक आउट फॉर दी डिफरेंट ऑप्शन, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑफ दी एयरड्रॉप। एयरड्रॉप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड यस पीपल डू पार्टिसिपेट इन एयरड्रॉप्स एंड काफी अच्छा पैसा भी वहां से कमाते हैं। एंड जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एयरड्रॉप की, वैली एक एयरड्रॉप अभी करेंटली चल रहा है जहाँ पे आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप लोगों को पता है हम लोगों ने इस चैनल में काफी डिफरेंट एक्सचेंजेस जो है वो ट्राई करे हैं, काफी डिफरेंट वॉलेट्स ट्राई करे। वेल एक एयरड्रॉप यहाँ पे हो रहा है फ्रॉम बिटगेट। अब बिटगेट क्या है, एक अच्छा खासा क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पे आपको वाइड वैरायटीज ऑफ क्रिप्टोज देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर उसके नेटिव टोकन की भी बात करें, जो आप साइड में देख सकते हो, आप BGB, ये हम लोगों ने बात करी थी जब इसका प्राइस था समवेयर अराउंड $1, करेंटली ट्रेडिंग एट $1.45। यस, वी आर हैप्पी टू होल्ड द नेटिव टोकन ऑफ बिटगेट। यहाँ पे अब चलते हैं उस एयरड्रॉप में एंड बात करते हैं कि आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड क्यों हम लोगों ने यहाँ पे बात करी रिगार्डिंग दी BGB टोकन, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि बिटगेट का एक एक्सचेंज है, बट उसी के साथ साथ बिटगेट का एक खुद का वॉलेट भी है बाय द नेम ऑफ बिटगेट वॉलेट। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड इसमें अपने क्रिप्टोज भी स्टोर करके रख सकते हैं। बट यस, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा और सेफ खेलना चाहते हो तो यस आई वुड सजेस्ट अ कोल्ड स्टोरेज वॉलेट फॉर योरसेल्फ, जहाँ पे आप लोगों को एक वाइड वैरायटीज मिल जाती है। बट फिलहाल बात करें इस एयरड्रॉप की, तो यहाँ पे आप डिटेल साइड में पढ़ सकते हो। बिटगेट वॉलेट का खुद का एक नेटिव टोकन जो है वो मार्केट में आने वाला है। ट्रस्ट वॉलेट का यहाँ पे खुद का नेटिव टोकन है। अगर यहाँ पे हम बात करें सेफ पॉल वॉलेट का, उनका भी यहाँ पे एक नेटिव टोकन है। नाउ इज द टर्न फॉर बिटगेट वॉलेट। बिटगेट वॉलेट जो है अब इनके लॉन्च पैड में आ चुका है एंड यहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हो BGB टोकन या USDT टोकन, एंड ये सारे के सारे एक्सचेंज करते हैं। जहाँ पे उनके नेटिव टोकन को आप कमेंट करते हो तो नॉट ओनली दी प्राइस, बट उसी के साथ साथ ऐसे लॉन्च पैड में आपको काफी ज्यादा फायदे होते हैं। बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे बिटगेट का नेटिव टोकन नहीं परचेज करना है, आपके पास यहाँ पे USDT पड़े हैं, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस एयरड्रॉप। अब ये एयरड्रॉप में है क्या एंड क्या चीजें हैं वो समझ लेते हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, पार्टिसिपेशन एक्चुअली में काफी ज्यादा सिंपल है। बिटगेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने BGB टोकन या USDT अपने वॉलेट में होल्ड करते हुए चलना है एंड कुछ भी नहीं करना। द बेस्ट पार्ट इज कि अभी यहां पे चल रहा है स्क्रीनशॉट टाइम, वो टाइम जहां पे देखा जाता है कि आपका बैलेंस कितना है। तो जितना ज्यादा आप होल्ड करोगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा टू गेट मोर एलोकेशन। उसके बाद यहाँ पे कमिटमेंट आता है, जिसके बाद आपको यहाँ पे ये नया टोकन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम फेजेस की बात करें तो स्क्रीनशॉट पीरियड जो है जहां पे चेक करा जाता है आपका बैलेंस, दैट इज फ्रॉम 1st of June टिल 4th of June। आज से ही अपना बैलेंस जो है आप लोग बना सकते हैं। USDT अगर आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं एंड मार्केट में आप DCA नहीं कर रहे, इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पे होल्ड करते हुए चलें। उसके बाद आता है 4th of June टू 6th of June, जहाँ पे आप कमिट करते हो। आपसे बोला जाता है कि इतनी एलोकेशन आपको मिलेगी एंड आपके पास एक ऑप्शन आएगा टू कमिट ऑन इट।
रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 6th of June को, आपको एलोकेशन भी उसी दिन मिल जाएगी एंड द सेम डे यहाँ पे ये लिस्टिंग में भी आ जाएगा, जहां पे हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा था जो लॉन्च पैड में क्रिप्टोज आते हैं वेल जब वो ओपन होते हैं तो काफी अच्छा उनका प्राइस आता है। लेट अस लुक इनटू दिस टोकन एंड कितना प्रॉफिट यहां से निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन जो हम लोगों को मिलती है, वेल वो डिफाइन होगा ऑन 6th of June। यस, एक ऐसी एक्टिविटी जो आप लोग कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको 4 से पहले यहाँ से अपने USDT निकालने हैं कोई अगर क्रिप्टो आपको लगता है कि आपने DCA करना है तो वहाँ पे आप वो USDT यूज भी कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा आफ्टर द कमिटमेंट पीरियड। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड यस, लॉन्च पैड या एयर ड्रॉप की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स लोग उठाते हैं एज सून एज इट लॉन्चेस इन दी मार्केट। सो कमिंग बैक टू दी मार्केट, यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं रिगार्डिंग बिटकॉइन, यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं रिगार्डिंग दी ऑल्ट कॉइन, जो आज के टाइम में ज़्यादा मूव नहीं हो रहे, सेम लेवल्स में हम लोग DCA नहीं करना चाह रहे हैं एंड डेफिनेटली प्रॉफिट अभी हम बुक नहीं करना चाह रहे। वी आर लुकिंग टूवर्ड्स कि बिटकॉइन कब यहाँ पे $100,000 तक पहुँचता है एंड उसके आगे हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे अपनी प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, कब हम लोगों को मार्केट में सेल ऑफ करना है। बट अभी के टाइम में यस, हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बाय लुकिंग इनटू क्या टारगेट्स हम लोग अपने लिए सेट करके चलते हैं, कितना प्रॉफिट हम लोग क्रिप्टो मार्केट से निकालना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में बात करी, अभी भी बहुत सारे नैरेटिव्स हैं जो मार्केट में प्ले आउट हो सकते हैं एंड इस चीज को हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज जहां पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन ETFs की, वेल एसेट मैनेजर्स वहां पे रेगुलरली परचेज कर रहे हैं, लास्ट 14 डेज में उन्होंने काफी अच्छी बाइंग करी है। इथेरियम के ETF जो है वो अप्रूव हो चुके हैं, एसेट मैनेजर्स अभी तक उनको परचेज नहीं कर पाए बिकॉज एक और फॉर्म है जो यहाँ पे अप्लाई करा गया है, जैसे ही उसका अप्रूवल आएगा आई एम डेफिनेटली श्योर कि यहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट के इथेरियम जो है मार्केट में परचेज करे जाएंगे थ्रू एसेट मैनेजर्स। द बिग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द ग्लोब आर बाइंग बिटकॉइन, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें माइकल सेलर वो यहाँ पे रेगुलरली बिटकॉइन को परचेज करते जा रहे हैं एट द करेंट प्राइस एज वेल। सो यस, वो परचेज कर रहे हैं टू मेक प्रॉफिट इन द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। ही इज श्योर कि ये जो है वो पीक नहीं है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का, जो काफी रिटेल इन्वेस्टर आज के टाइम में सोच रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी प्रीवियसली रिगार्डिंग कैथी वुड्स एज वेल, जो कि आग इन्वेस्टमेंट, वो भी यहाँ पे बोलती है कि बाई 2030 बिटकॉइन कैन एक्चुअली क्रॉस $3.8 million। यस, 2030 तक हम लोग यहाँ पे एक और साइकिल देख लेंगे, बट ये साइकिल एक्चुअली में बहुत बड़ी हो सकती है एंड इसके बाद उतनी ज्यादा मूवमेंट्स हमें शायद ही नजर आएगी इन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, बिकॉज एसेट मैनेजर्स इतने इजीली बिटकॉइन को मार्केट में सेल ऑफ नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट आवर टेक इज, बट हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ऑन द करेंट सिनेरियो, बट हम लोग कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे कर रहे हैं ऑन द करेंट रन जिसमें हम लोग ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। वेल, आवर प्लान्स फॉर क्रिप्टो मार्केट इज एक्चुअली वेरी सिंपल, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। यस, द मार्केट इज बोरिंग, उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। सो गाइज, दैट वाज अबाउट टुडेज वीडियो। आई नो मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर ऑफ मार्केट में फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बट सेलिंग क्रिप्टोज राइट नाउ कहीं ना कहीं आप लोग मिस आउट कर दोगे वो अपॉर्चुनिटी जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वो पैराबॉलिक मूव की इन दी क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। करेंटली इज दी टाइम जहाँ पे आप चुपचाप शांत बैठे रहें, ज्यादा मूवमेंट्स ना करें, ज्यादा चीजें ना देखें। यह जो आपके टारगेट्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए अगर आपको लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक क्रिप्टो आपने परचेज करना है, गो हेड एंड बाय इट, बिकॉज आज के टाइम में भी हम लोग बहुत इजीली बोल सकते हैं कुछ महीनों के बाद हम लोग रिग्रेट करेंगे नॉट बाइंग क्रिप्टोज एट दी करेंट लेवल्स। एंड ये चीज आप लोगों के साथ ना हो, हम लोगों के साथ ना हो, एटलीस्ट इसलिए हमने अपना पोर्टफोलियो कंप्लीटली रेडी कर दिया जहाँ पे हमारे पास वाइड वैरायटीज ऑफ क्रिप्टोज है, बट उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज एलोकेशन कर रखी है, जो करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इवेंचुअली यू विल हैव टू मैनेज योर क्रिप्टो पोर्टफोलियो। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।